हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट में। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ नया और अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हमें इस तरह अपना प्यार देते रहिए और आगे बढ़ते रहने के लिए सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट का आविष्कार कई सालों पहले ही हो गया था, लेकिन उस समय हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे केबल्स की जरूरत पड़ती थी। केबल्स के जरिए ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की रफ्तार बढ़ती गई, वैसे वैसे जटिल चीजों को सरल बनाने की प्रक्रिया भी बदलती गई। टेक्नोलॉजी में प्रतिदिन बदलाव की वजह से आखिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने वायर केबल की जगह एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क बनाया जिसे वाईफाई कहते हैं, और इसका इस्तेमाल आज हम और आप सभी जगह पर करते हैं। आज से कुछ 10 साल पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करना सबके लिए मुमकिन नहीं था। इसके लिए लोगों को इंटरनेट कैफे जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट सबके हाथों तक पहुंच चुका है और इसके लिए किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। वर्तमान समय में सभी लोग इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा श्रेय वाईफाई तकनीकी को जाता है। चाहे हम इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी करना चाहें, उसके लिए अब हम वाईफाई का उपयोग करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो से हम आपको इसी लोकप्रिय टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि वाईफाई क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वाईफाई क्या होता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई एक लोकप्रिय वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का नाम है जो हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए रेडियो सिग्नल का प्रयोग करता है। इसका आविष्कार जॉन ओ'सुलिवान और जॉन डीन ने सन 1991 में किया था। असल में ये एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है जिसे VLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आज हम इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी डिवाइसेस को इंटरनेट और नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती है। इसका मतलब है कि इसकी रेंज कम एरिया तक ही होती है। इसके जरिए हम एक सीमित स्थान तक इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, आजकल लोग इसके जरिए वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट भी करते हैं, जैसे कि शेयरइट और एक्सजेंडर। कहते हैं कि वायरलेस फिडेलिटी का असल में कोई मतलब नहीं है। असल में वाईफाई एलियंस कंपनी वाईफाई डिवाइस को बनाती है। इसका नाम हाईफाई यानी हाई फिडेलिटी से लिया गया है। वाईफाई एक स्टैंडर्ड है जिसका पालन कर कंप्यूटर्स को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अभी के समय में जितने भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर और कंप्यूटर हैं, इन सभी में एक वाईफाई चिप रहती है जिसके जरिए हम और आप वायरलेस रूटर से कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस रूटर के जरिए ही वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट होकर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रूटर को भी इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए DSL और केबल मॉडेम का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि ISP से जुड़ा हुआ होता है, वरना इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता है। आजकल कई तरह के हॉटस्पॉट डिवाइस भी आते हैं, जैसे JioFi 4G जिसमें वायरलेस सिग्नल के माध्यम से एक साथ कई डिवाइसेस में वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। और अब हम जानेंगे कि वाईफाई काम कैसे करता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी में एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो वायरलेस सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, जो कि आमतौर पर वाईफाई रूटर या हॉटस्पॉट होता है। इसमें वायरलेस रूटर किसी इंटरनेट से जुड़कर सूचना को रेडियो तरंगों में बदल देता है और वाईफाई डिवाइस वातावरण में मौजूद वाईफाई संकेतों से कनेक्ट होकर अपने आसपास एक छोटा सा वायरलेस सिग्नल का एरिया बनाता है जिसे वाईफाई जोन कहते हैं। ये छोटा सा एरिया एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का रूप लेता है। इस छोटे से एरिया में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और प्रिंटर, इन डिवाइसेस में इनबिल्ट वायरलेस एडाप्टर होते हैं जिनकी मदद से बड़ी आसानी से ये डिवाइसेस वाईफाई सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में इनबिल्ट वाईफाई एडाप्टर नहीं होता, इसीलिए हम उससे USB पोर्ट के माध्यम से एडाप्टर लगाकर वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या कॉफी शॉप जाते होंगे तो पक्का आप उस वक्त वाईफाई जोन में होते हैं। कई ऐसे शहर भी हैं जहां पर सरकार ने वाईफाई जोन बना रखा है जहां लोग जाकर इंटरनेट फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ये हमेशा टू वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। मान लीजिए कि एक लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट का उपयोग डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कर रहा है, तो आपके लैपटॉप का वायरलेस एडाप्टर जो होता है वो डेटा को रेडियो वेव्स में बदल देता है और इसके एंटीना के प्रयोग से ट्रांसमिट करता है। अब वायरलेस रूटर इस सिग्नल को रिसीव करता है और इसे डिकोड कर देता है। रूटर इन्फॉर्मेशन को फिजिकल वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट में भेजता है
और इस तरह से वाईफाई नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजा जा सकता है। यही प्रक्रिया ठीक इसके विपरीत भी काम करती है, जिसमें रूटर इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर इसे रेडियो सिग्नल में बदल लेता है और लैपटॉप के वायरलेस अडॉप्टर को भेज देता है। वाईफाई रूटर से निकलने वाली रेडियो तरंगे दीवार के पार हो जाती है, जिसमें एक बिल्डिंग के अन्य कमरों में भी वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक घर के लिए वायरलेस रूटर काफी होता है। वाईफाई नेटवर्क की गति रूटर के पास अधिक एवं दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। आजकल के स्मार्टफोन में वाईफाई सेवा के साथ हॉटस्पॉट का ऑप्शन भी आता है, यानी कि आप न केवल किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अपने फोन को रूटर की तरह इस्तेमाल करके हॉटस्पॉट से कई अन्य डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं। अचानक से आपके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाए तो आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दोस्त के मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि वाईफाई के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा है, ये टेक्नोलॉजी काफी यूजर फ्रेंडली है। आप बड़ी आसानी से कोई भी स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी वह डिवाइस वाईफाई की रेंज में होनी चाहिए। नंबर दो पर है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस आपको वाईफाई को ऑन करना है, अगर कोई पासवर्ड है तो उसे डालकर वाईफाई से कनेक्ट कर इंटरनेट का मजा ले सकते हैं। नंबर तीन पर है, पहले हर जगह वाईफाई मिलना मुश्किल था, लेकिन आज के समय में ये हर जगह अवेलेबल होता है। वाईफाई की मदद से चलते फिरते कहीं से भी आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, कॉफी शॉप, सुपरमार्केट। बस इन जगहों पर वाईफाई नेटवर्क होना जरूरी है। नंबर चार, एक ही वाईफाई डिवाइस के साथ आप बहुत सारे दूसरे मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक रूटर के साथ 5 से 6 मोबाइल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। नंबर पाँच, सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क की तुलना में वाईफाई रूटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है। आप 1 Mbps से लेकर 100 Mbps तक का लाभ उठा सकते हैं। वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस करने पर डेटा ट्रांसफर की गति तेज होती है, जिससे हम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को आसानी से भेज और रिसीव कर सकते हैं। नंबर 6 पर है, मोबाइल डेटा की एक सीमा होती है, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ली गई वाईफाई नेटवर्क में आपको हर रोज लगभग 50 GB से ज्यादा डेटा मिलता है, मतलब आप जितना चाहे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, वाईफाई की सबसे खास बात यह है कि आप अपने वाईफाई रूटर को दुनिया के किसी भी देश में चला सकते हैं, मतलब आप वाईफाई रूटर का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने जाना कि वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है, जिससे इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई से एक से ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है और इसकी मदद से इंटरनेट शेयर किया जा सकता है। आजकल सभी स्मार्टफोन वाईफाई की सुविधा को सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से वाईफाई क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।